नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर नारियों ने, महिलाओं ने, स्त्रियों ने अपना कोई योगदान ना दिया हो। और इसी तरह से विज्ञान भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वैदिक काल से बिल्कुल नवनूतन काल तक अनेक स्त्रियों ने अपना योगदान दिया है, वैज्ञानिक कार्य किए हैं। आज मेरी कविता उन्हीं समस्त विज्ञान क्षेत्र में कार्य करने वाली नारी शक्ति को समर्पित है। आज की मेरी कविता का शीर्षक है विज्ञानमयी स्त्रियां। विज्ञान के ज्ञान सागर में, विज्ञान ज्ञान के सागर में नारी के अद्भुत योगों पर, विज्ञान ज्ञान के सागर में नारी के अद्भुत योगों पर विश्वकंठ यह बोला है, जयति जयति हे नारी शक्ति, प्रकृति के कण कण में तुमने विज्ञान मधु योग बोला है। विज्ञान ज्ञान के सागर में नारी के अद्भुत योगों पर विश्वकंठ यह बोला है, जयति जयति हे नारी शक्ति, प्रकृति के कण कण में तुमने विज्ञान मधु यूं घोला है। सदियों से विज्ञान जगत में तुम कितना कितना करती आई, सम्मान अधिकारों से वंचित होकर भी विश्व मिसालें बनती आई। दृढ़ शक्ति से तोड़ चट्टाने, स्वप्न रंगों को घोला है, जयति जयति हे नारी शक्ति, प्रकृति के कण कण में तुमने विज्ञान मधु यूं घोला है। भारत के उपनिषद युग की सद्योद्वहा ब्रह्मवादिनी, विविध विद्याओं में निष्णात उच्च शिक्षित विदुषी वंदिनी, विश्ववारा लोप मुद्रा सुलभा अपाला मैत्रेयी, वाचक नवी गार्गी तुम घोषा शची पाथी। आर्ष वर्णित महाकाव्य ने उनकी परतों को खोला है, जयति जयति हे नारी शक्ति, प्रकृति के कण कण में तुमने विज्ञान मधु यूं खोला है। दूर विश्व के देशों में भी, ये हमने भारत की चर्चा की, लेकिन विश्व में भी इतनी महान वैज्ञानिक हुई हैं, उनके बारे में अगले पद में जिक्र है कि दूर विश्व के देशों में भी छाई कई विज्ञानमयी, प्राचीन मिस्र की पेस शेठ पहली विश्व महिला वैद्य हुई, और टापुती बेलाटे कालिन ने रसायन की दुनिया बुनी, और अलेक्जेंड्रिया हाईपेशिया थी महान गणितेश, कंप्यूटर की अन्वेषक थी एक ब्रितानी लवलेस, रेडियो धर्मिता की पहचान मेरी क्यूरी के दो दो नोबेल सम्मान, और ब्रिटिश रसायन शास्त्री रोजलिंड ने खींची डीएनए की एक्सरे तस्वीर, और जर्मन न्यूसलाइन ने रच डाली फल कीटों की आनुवंशिकी तकदीर, कैनेडियन स्ट्रिकलैंड ने पल्स लेजर पर काम किए, अमेरिकी केटी बाउमेन ने कृष्ण विवर तैयार किए, और विज्ञान नवाचारों से इनने अनंत राहों को खोला है, जयति जयति हे नारी शक्ति, प्रकृति के कण कण में तुमने विज्ञान मधु यूं खोला है। और आधुनिक देश की रचना में, हमारे भारत, आधुनिक भारत की यदि बात की जाए, तो आधुनिक देश की रचना में नारी शक्ति का विज्ञान बड़ा, धरती से अंतरिक्ष तक भारत पांवों पर अपने हुआ खड़ा। रामन के युग वाली अन्नामणि देश दुलारी, मिर्गी मलेरिया के नुस्खे वाली चैटर्जी असीमा प्यारी, कमल रणदिवे ने रचा कुष्ठ टीके का इतिहास, जानकी अम्माल ने भरी गन्ने में कुछ और मिठास,
आनंदी बाई से लेकर राजेश्वरी दर्शना मंगला ने 19-20 सदियों में कितने वैज्ञानिक राजों को खोला है। जयति जयति हे नारी शक्ति, प्रकृति के कण कण में तुमने विज्ञान मधु युग खोला है। और अंतिम पद पर ध्यान चाहूंगी कि आओ भारत की नवशक्ति का भी, आओ भारत की नवशक्ति का भी मिलकर हम गुणगान करें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर, उनके विज्ञान का सम्मान करें। कि आओ भारत की नवशक्ति का भी मिलकर हम गुणगान करें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर, उनके विज्ञान का सम्मान करें। और देखिए कि वो कौन है महान वैज्ञानिक हमारे देश की, कि 21वीं सदी की अनगिनत शोधी, 21वीं सदी की अनगिनत शोधी कीर्तिमान रचती भारती व्योम वेधी, मिसाइल महिला टेसी थॉमस, मिसाइल महिला टेसी थॉमस, चंद्र और मंगल यानों की मुथैया वनिता ऋतुसी तापस, अंतरिक्ष गणित विज्ञान चिकित्सा में संचार तकनीकी शोध परीक्षा में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपना परचम न लहराया हो। कि अंतरिक्ष गणित विज्ञान चिकित्सा में संचार तकनीकी शोध परीक्षा में अद्भुत विज्ञान उड़ेला है। जयति जयति हे नारी शक्ति, प्रकृति के कण कण में तुमने विज्ञान मधु यूं खोला है। जयति जयति हे नारी शक्ति, प्रकृति के कण कण में तुमने विज्ञान मधु यूं खोला है, विज्ञान मधु यूं खोला है। धन्यवाद।